कुरान करीम के अंदर सूरह इखलास एक ऐसी सूरत है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसको तीन मरतबा पढ़ने का सवाब एक कुरान करीम के बराबर मिलता है। तीन मरतबा पढ़ लीजिए, एक कुरान करीम के बराबर सवाब है। और ऐसी बाबरकत सूरत है ये कि जब कुफार मक्का ने मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबर मुतालबा करते रहे, आपके अल्लाह का हसब नामा क्या है, आपके अल्लाह का हसब नामा क्या है, तो ये सूरत नाजिल हुई कि लो ये हसब नामा है अल्लाह का। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तंबीहुल गाफिलीन बाब नंबर 13 फजाइल कुरान में लिखा है कि अगर कोई शख्स बावजू इस सूरत को 300 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह सुबहानहु व तआला उसको 9 फायदे अता फरमाते हैं, 9 फायदे हासिल होते हैं इसके पढ़ने से। पहला फायदा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सूरत को 300 मरतबा पढ़ने वाले के 300 दरवाजे गजब के बंद कर देते हैं, जिसमें दुश्मनी, कहर, फितना वगैरह। दूसरे नंबर पे 300 दरवाजे इसके पढ़ने वाले के लिए रिस्क के खोल देते हैं, अपने गैब से उसको रिस्क अता फरमाएंगे, बगैर मेहनत के अता फरमाएंगे। नंबर 3, 300 दरवाजे अल्लाह सुबहानहु व ताला इस सूरत के पढ़ने वाले के लिए रहमत के खोल देते हैं। नंबर 4, अल्लाह सुबहानहु व ताला इस सूरत के पढ़ने वाले को अपने इल्म से इल्म अता फरमाएंगे और अपने सब्र से सब्र अता फरमाएंगे। नंबर पांच पे आता है कि इसको 36 मरतबा कुरान करीम पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। और नंबर 6 पे आता कि इसके 50 साल के गुनाह माफ होंगे। 300 मरतबा पढ़ने की फजीलत है ये, इसके 50 साल के गुनाह भी माफ होंगे। और नंबर 7 पे आता कि इस सूरत के पढ़ने वाले के लिए अल्लाह सुबहानहु व ताला जन्नत में 20 महल बनाएंगे, और हर महल जो है वो याकूत और मरजान का होगा, और हर महल के जो दरवाजे हैं 70,000 होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, जिस महल के दरवाजे 70,000 होंगे वो महल कितना बड़ा होगा। अल्लाह इस पे यकीन नसीब फरमाए, वो महल कितना बड़ा होगा। मजीद इससे आगे चलें आप, नंबर 8 पे अल्लाह सुबहानहु व ताला इस सूरत के पढ़ने वाले को 2,000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। और नंबर 9 पे आता है कि अल्लाह सुबहानहु व ताला इस सूरत के पढ़ने वाले को जब भी इसका इंतकाल होगा, जब भी ये मरेगा, इसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे। जब भी इसका इंतकाल होगा, इसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शमूलियत करेंगे। और 10वें नंबर पर आगे फरमाया, हालांकि 9 नंबर हैं, लेकिन 10वें नंबर पे भी इसकी वजाहत की है कि अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद 10 मरतबा इखलास के साथ सूरह इखलास को पढ़ ले, लफ्ज़ इखलास भी याद रखें, इखलास के साथ, यकीन के साथ, एतमाद के साथ, इज्जत और अजमत के साथ 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले हर नमाज के बाद, अल्लाह सुबहानहु व ताला के ऊपर उस बंदे की मगफिरत वाजिब हो जाती है। अल्लाह सुबहानहु व ताला अपने ऊपर उस बंदे की मगफिरत वाजिब फरमा लेते हैं। ऐसी बाबरकत सूरत है, और मैं समझता हूँ तकरीबन सभी के याद है, हैं। और कम से कम आप इतना किया करें कि अगर आप 3 मरतबा दरूद पाक शुरू में, 3 मरतबा दरूद पाक आखिर में, और 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ करके अपने घर कुनबे कबीले वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, अहलो अयाल के लिए, नहीं तो अगर आपके वालदैन दुनिया से फौत हो चुके हैं उनके लिए आप सिर्फ नियत कर लें कि इसका सवाब मेरे फलां को पहुँच जाए, एक कुरान करीम का सवाब आपके फलां को पहुँच गया। अल्लाह इस पर हमें यकीन नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।